हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारा होटल, इसका नाम है दैविक और काफ़ी अच्छा है। रामेश्वरम तमिलनाडु में ये होटल है और स्टार्टिंग में ही पड़ता है जैसे आप एंटर करते हो। तो मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, पैलेस की तरह लग रहा है ये पूरा वाइटी वाइटी। और यहाँ पे तविश बहुत मज़े कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है यहाँ पे पिलर्स के बीच में से घूमना फिरना। और फूड भी अच्छा था, इनका स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है। तो टोटल ओवरऑल होटल वॉज वेरी नाइस। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं रामेश्वरम टेम्पल क्योंकि मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 5:30 और अभी होता है अभिषेक। तो हम अभी निकल रहे हैं और ये मम्मा है होटल रूम से। पापा पापा आ जाइए, तो हम लोग निकल गए हैं। आप भाभी को बुलाती हूँ। भाभी चले चले चले, चलो 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 चलो, पापा हो गए रेडी आगे बाहर। ये सब लोग रेडी हो गए हैं, हम जा रहे हैं रामेश्वरम टेम्पल। 5:30 बज रहे हैं अभी। वहाँ पे अभिषेक होकर, रुद्र अभिषेक नहीं, जल अभिषेक, आपको पता तो है नहीं, अभिषेक होगा बस। हाँ, जो भी है अभिषेक होगा। तो चल गया, अभी बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। ये हमारा होटल है, मैं आपको आकर दिखाऊंगी। ठीक है, ये गाड़ी है, हम लोग जा रहे हैं। पूरा अंधेरा हो रहा है, अभी मॉर्निंग हो रही है। कितना नहीं बोला, 5:30 ना, हाँ नहीं 5:40 हो गया। तो ये है रामेश्वरम टेम्पल। यहाँ पे अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम लोग फोन नहीं लेकर जा रहे हैं। ठीक है, फोन हम अपनी गाड़ी में ही ड्रॉप कर देंगे। गाड़ी में ही ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पर। और स्लीपर्स भी, भाभी बेबी सो रहे हैं, नहीं जग रहे हैं यार, वो बहुत जल्दी रेडी हो गया था इवन। सो ये हमको दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। यहाँ का जो मंदिर का अंदर, रामेश्वर मंदिर का जो कॉरिडोर है, वो इंडिया के टेम्पल्स जितने भी हैं उनमें सबसे बड़ा कॉरिडोर है। और जो वो कॉरिडोर है ना, एंटर करते ही आपको बाहुबली वाली फीलिंग देता है। मतलब बहुत मज़ा आया अंदर जाते हुए, और काफ़ी लंबा कॉरिडोर है। ठीक है, और अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। अदरवाइज सीरियसली आई रियली वॉन्टेड टू टुक माई फ़ोन विद मी, क्योंकि मुझे वो सारे मोमेंट्स कैप्चर करने थे। इतनी अच्छी चीज़ें, मतलब कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा रामेश्वरम का। ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले राम जी ने एक पत्थर को रख के शिवलिंग बनाया था, उसकी पूजा करी थी। तो वो सीता जी को जब श्रीलंका जा रहे थे लेने के लिए उससे पहले, ठीक है, उसके बाद जब वो सीता जी को लेकर के आ गए थे, जब सीता माँ और राम जी ने मिलकर एक रेत का, सैंड का, बालू का एक शिवलिंग बनाया था जिसको मणि बोलते हैं। ठीक है, हमने उसकी पूरी आरती देखी, उसका पूरा अभिषेक देखा, और वो बहुत छोटा सा है और मंदिर इतना प्यारा है, हर जगह इतने सारे दिए थे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा बाहुबली वाला मुझे सच्ची में वही फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा था। और उसके बाद माँ पार्वती जी का भी मंदिर है राइट हैंड साइड में, मणि के बिल्कुल बराबर में ही, मतलब जो शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, उसको मणि बोलते हैं, मेन जो है, ठीक है, उसके बराबर में ही माँ पार्वती जी का मंदिर है, वो भी बहुत सुंदर है। ओवरऑल हमारा रामेश्वरम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा गाइज। तो ये मेरे पीछे जो ये बीच है, इसका नाम है अग्नि तीर्थम। तो राम जी जब यहाँ पे आकर ना, यहाँ पे शिव जी की पूजा किया करते थे इस बीच पर आकर। ये बीच भी बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत मज़ा आ गया। बस सीरियसली में दैट एक्सपीरियंस वॉज सो अमेजिंग। ये है रामेश्वरम का प्रसाद, जिसमें शंख भी है, छोटू से शिवलिंग है, मिश्री है, ये भी पूरा पैकेट है प्रसाद का। प्रसाद भी बहुत अच्छा है ना, छोटा सा तांबे का लोटा है, इसमें जल है ना। हाँ जल है, उधर ये धूप है, ये धूप बत्ती है, उधर चंदन है, चंदन है, रोली है, बैक साइड में फोटो है, ये है और ये है, और ये है बैक साइड में फोटो। ये अमना अमना दविश, ओम नमो शिवाय। ये है रामेश्वरम जी की फोटोग्राफ। जो भी चीज़ें थी ना मुझे कैप्चर करनी थी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बट कोई नहीं यार, सब सेफ्टी कंसर्न था तो इसलिए हम लोगों को फोन अंदर जाने नहीं दिया, बट बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग बीच पर हैं, इसका नाम है
अग्नि तीर्थम करके, अग्नि तीर्थम बीच बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी मैं बोलो। ठीक है, तो हमने आज जल्दी 5:30 बजे उठ गए थे, हमारे दर्शन हो चुके हैं और अभी सिर्फ 7 हो गया है ना, 7:30 हो रहा है, तो अभी हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। लेकिन बहुत अच्छा था यार सच्चे में, हमको अभी भी लग रहा है कि मतलब पूरा बाहुबली वाली फीलिंग आ रही थी, जो वहाँ का मतलब आर्किटेक्चर था इतना सुंदर था, इतना बड़ा कॉरिडोर था, इतने बड़े बड़े पिलर्स, सीरियसली यार मतलब पूरा बाहुबली आ गया मेरे माइंड में। बट दर्शन बहुत अच्छे हो गए, बहुत मज़ा आया दर्शन करने में, जो सच में लग रहा है आई एम सो मच ब्लेस्ड, थैंक यू। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, वो है हमारे ड्राइवर भैया, वो है कार, ये मामा भी का है, ये देखो पूरा बीच अग्नि तीर्थम उसका नाम है। ये है यहाँ का बस शेल्टर, बस स्टॉप, ये है बस शेल्टर अग्नि तीर्थम, ठीक है, और ये था बीच जहाँ पे हम अभी थे। बढ़िया, ये कह रहे हैं तो ये अभी हैं हम 30 स्टॉल पर, ये थोड़ा ये देखो वड़ा खा रहे हैं, हमारा बहुत मन था चाय से वड़ा खाने का। और पता है यहाँ पे एक और चीज़ है, स्वीट बोंडा करके, जैसे हम आलू बोंडा होते हैं, स्वीट बोंडा है वो भी टेस्टी है, पर हमें कुछ स्वीट नहीं खाना था। ये मेरा भाई वो बस जब खाता है तो बस खाने में लग जाता है एकदम, किसी की नहीं सुनता। ये मेरा इतनी छोटी उम्र में रामेश्वरम के दर्शन पूजा पाठ हो गए, तो अब हम ना टी और बड़ा एंजॉय करते हैं, एंड अब एंजॉय करिए।